तो फर्दर जब हम इसे डिस्कस करते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, फ्राम इज द नेट फोर्स पुशेज द बॉडी बैक टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ दोबारा उसको मूव कराती है। सच एज फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स, को हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। इट टेंड्स टू रिस्टोर द इक्विलिब्रियम, यानी कि वो इसी फार्म में काम करता है कि उस फार्म में जो टोटल हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो एज अ रिस्टोरिंग फोर्स फार्म में दोबारा उसे उसी फार्म में वापस लाता है, रिस्टोरिंग फोर्स की फार्म में, यानी ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन की तरफ वापस लाता है, उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स इज द फोर्स एक्ट अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिस्टम, यानी सिस्टम के जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी फार्म है इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इसकी फार्म हम देखें कि ऑब्जेक्ट जब मूव करता है फ्रॉम मेन टू एक्सट्रीम पोजीशन तो उस वक्त रिस्टोरिंग फोर्स काम करती है, लेकिन ऑब्जेक्ट जब ऑलरेडी है ही मेन पोजीशन पर उस वक्त जो उसकी टोटल नेट फोर्स होती है वो हमारे पास जीरो होती है। तो ये भी हम डिस्कस करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, उसको हम लेते हैं। अब जब हम इसके एग्जांपल पढ़ते हैं कि अभी मैंने इसको सारे डिस्कस कर दिया है, कंसीडर अ बाउल एंड बॉल एग्जांपल अंडर स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इसको हमने डिस्कस किया, फर्दर इसको दोबारा कर लेते हैं। व्हेन बॉल इज डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, जब इसको हम डिस्प्लेस करते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से, इट विल स्टार्ट मूविंग, तो ये मूविंग मोशन स्टार्ट कर देता है अंडर रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स के थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट एक्स, और ये हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्प्लेसमेंट के जो है वो अपोजिट होता है। रीचिंग द इक्विलिब्रियम पोजीशन द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू अंडर इनर्शिया एंड विल रीच टू द अदर एक्सट्रीम पोजीशन एंड दस इट विल कंटिन्यू टू ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ विच एग्जीक्यूट सिंबल हार्मोनिक मोशन। इसका मतलब ये है कि जब हम ऑब्जेक्ट को जो है वो डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन, तब ये जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा, जब इसको रिलीज़ करते हैं तो ये बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करता है। जब बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करता है तो इस फॉर्म में इट मींस कि ये जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। जब ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करेगा तो इट मींस ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ साथ ऑसिलेटरी मोशन को भी अबे करता है। इसका मतलब यह है कि हम सिंपल कह सकते हैं कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसको हम इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास फॉर्म है जिसको हम कहते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन, यानी इट इज़ आल्सो द टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। फर्दर अगर हम डिस्कस करें तो फर्दर एग्जांपल जो है वो ऑसिलेटरी मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन की, सिंपल पेंडुलम है, मास स्प्रिंग सिस्टम है, स्विंग है, अ स्टील रूलर कम टू अ बेंच ऑसिलेट्स फ्री एंड डिस्प्लेस्ड साइडवे। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्म थी आज के, मैं डिस्कस कर दिया सिंपल हार्मोनिक मोशन को, तो इसको मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने डिस्कस किया। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास होता क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ द टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इन विच द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम और मीन पोजीशन एंड इट ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इसकी फॉर्म में हमारे पास मैथमेटिकल है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। फर्दर मैं डिस्कस करता एक्सप्लेनेशन में, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इन विच अकर्स व्हेन व्हेन द ओवर द रिस्टोरिंग फोर्स टू द डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, कि जब रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट काम करता है या उसको दोबारा इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वापस लाता है, तो इस फॉर्म को हम कहते हैं कि हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है। अब इसके अंदर हम दो टर्म मजीद पढ़ते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास वो फोर्स होती है सिंपल विच एक्ट अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिस्टम, और इन अदर वर्ड्स जब वो डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट काम करें या दोबारा ऑब्जेक्ट को मेन पोजीशन की तरफ वापस लाए उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। जबकि जो हमारे पास सिंपल डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारे पास डिस्टेंस कवर बाय अवर ऑपरेटिंग बॉडी, जबकि जो हमारे पास फॉर्म होगी इसकी इक्विलिब्रियम पॉइंट की, इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारे पास वो पॉइंट होता है जिसके अंदर हमारे पास जो नेट फोर्स होती है वो जीरो होती है। अब इस फॉर्म में देखें कि ये हमारे पास यहाँ पर नेट फोर्स होगी, जब ये मूव करेगा तो फिर इस फॉर्म में रिस्टोरिंग फोर्स को ओबे करेगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है ऑब्जेक्ट को दोबारा वापस लाती है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो फर्दर एग्जांपल है वो सिंपल पेंडुलम है, मास स्प्रिंग सिस्टम है, स्विंग है, स्टील रूलर कम टू अ बेंच फ्री एंड डिस्प्लेस साइड वे। ये हमारे पास कुछ फॉर्म है जिसको हम डिस्कस करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन।